प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। हम बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र की इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने चौथी व पांचवी इकाई संपूर्ण कर दी है। आज से हम विभिन्न कवियों की रचनाओं और उनके भाव सौंदर्य को देखेंगे। आज हम सबसे पहले हमारे पाठ्यक्रम के कवि बिहारी जो हैं, उनकी रचना बिहारी सतसई के दोहे जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, बिहारी के दोहों का मैं भाव सौंदर्य एवं शिल्प सौंदर्य बताऊं, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त रूप से बिहारी के बारे में एक बार पुनः बता देता हूँ। रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि, ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों के ज्ञान के आधार पर अपनी रचना लिखी, वे रीतिसिद्ध कवि कहलाते हैं। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि, जो कि जयपुर के नरेश थे, और मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं, बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक सोने की अशरफी देते थे। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरते थे, यानी इनके दोहे काव्य में गूढ़ भावार्थ होता था। बिहारी अपनी एकमात्र रचना से साहित्य के संसार में अमर हो गए। वह रचना थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है, ऐसा शुक्ल जी ने इनके बारे में कहा है। संयोग श्रृंगार या श्रृंगार वर्णन की अद्भुत कृति मानी जाती है बिहारी सतसई। बिहारी दास को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। वह उनकी रचना बिहारी सतसई को रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना माना जाता है, क्योंकि इसकी रचना बिहारी सतसई में रीतिकाल का, रीतिकालीन साहित्य का समस्त सौंदर्य, समस्त लक्षण मिलते हैं, समस्त प्रवृत्तियां मिलती है। इसलिए इस रचना को रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना व इन्हें रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। बिहारी के बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा की जो समास शक्ति है, वह कल्पना की समाहार शक्ति है, ये इनमें अद्भुत थी। इन्होंने अपनी भाषा की समास शक्ति एवं कल्पना की समाहार शक्ति के माध्यम से अपने छोटे छोटे दोहों में अकूत भाव सौंदर्य उत्पन्न किया। बिहारी ने संयोग श्रृंगार का अधिक वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार में इनका वर्णन हास्यास्पद व ऊहात्मक माना जाता है, विस्मयपूर्ण माना जाता है, जो कि इन पर फारसी साहित्य का प्रभाव प्रकट करता है। ये रचना इनकी अत्यंत लोकप्रिय हुई, इनकी अनेक टीकाएं लिखी गई। बिहारी बहुज्ञ थे, इन्हें न केवल साहित्य व साहित्य शास्त्र बल्कि विभिन्न विषयों यथा इतिहास, पुराण, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, गणित, आयुर्वेद इत्यादि का ज्ञान था, जो इनके विभिन्न दोहों में प्रकट भी होता है। बिहारी के काव्य के बारे में शुक्ल जी ने ये एक बात कही है कि इनका काव्य प्रेम के उच्चतर सोपान को स्पर्श नहीं करता, जो कि बिल्कुल सटीक है। श्रृंगार वर्णन अवश्य किया है, सामंती विलास का वर्णन इन्होंने अपने दोहों में अवश्य किया है, लेकिन प्रेम का जो, प्रेम में जो त्याग है, प्रेम में जो करुणा है, प्रेम का जो त्यागमयी स्वरूप है, वह इनके काव्य में नहीं मिलता।
प्रेम के उच्चतर सोपान को बिहारी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि इनके द्वारा वर्णन किया गया प्रेम भोगा व प्रेम नहीं था। ये स्वयं भोक्ता नहीं थे, जैसे गणानंद जो थे वो स्वयं भोक्ता थे, तो उनके काव्य में प्रेम का उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है और प्रेम की उच्चतर भूमि को स्पर्श करता है। जबकि बिहारी के काव्य में बिहारी का प्रेम वर्णन उच्चतर सोपान को, प्रेम के उच्च स्वरूप को स्पर्श नहीं करता। बिहारी ने दोहे लिखे, इसके लिए भी शुक्ल जी कहते हैं क्योंकि ये राज्यसभाओं में प्रयोग करने के लिए उपयुक्त था। गागर में सागर भरने के लिए, शासक को चमत्कृत करने के लिए दोहा छंद उपयुक्त था और शासकों का मन वैसे भी लंबी रचनाओं में नहीं रमता था, इसलिए दोहा छंद का प्रयोग बिहारी ने अपने काव्य में किया जो कि सभाओं के लिए उपयुक्त था, ऐसा शुक्ल जी ने माना है और ये बिल्कुल ठीक भी है। चलिए हम बिहारी सतसई के जो दोहे हैं उनका हम भाव और शिल्प सौंदर्य देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहारी सतसई के प्रथम दोहे। सतसई का पहला दोहा भी यही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मंगलाचरण में रचना के प्रारंभ में बिहारी दास ने राधिका को याद करते हुए, राधिका को स्मरण करते हुए लिखा है, जिसमें वो अपनी इस रचना का, रचना की निष्कंटक समाप्ति के लिए माँ राधिका से प्रार्थना करते हैं। बिहारी का जो प्रथम दोहा है सतसई का, उसमें वो लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे श्याम हरित दूती होए। दोहा छंद जो कि अर्धसम मात्रिक छंद पाया जाता है, जिसके विषम चरणों में 13 व सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दूति होए। माँ राधिका को स्मरण करते हुए बिहारी कहते हैं कि हे नागरी, नगर की स्त्री राधा, हे चतुर, नागरी शब्द जो है ये नगर की स्त्री या चतुर स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए बिहारी के काव्य में नगरीय व्यवस्था के प्रति प्रेम था, जबकि ग्रामीण व्यवस्था का उन्होंने अपने रचनाओं में उपहास उड़ाया है। ये हमें कई जगह इनके जो ग्रामीण परिवेश के जो दोहे हैं, ग्रामीण परिवेश को बताने वाले, उनमें ये प्रकट भी होगा। राधा को नगर की स्त्री, चतुर स्त्री कहते हुए कहते हैं कि हे राधे, हे चतुर राधे, हे नगर की स्त्री राधे, तुम मेरे समस्त संकटों का, मेरी भव बाधा हरो, भव यानी संसार, सांसारिक बाधाओं का हरण करो, क्योंकि आप वही हैं जिनकी जातन की झाई परे, तन यानी देह, जिनके तन की झाई पड़ने से, झाई यानी परछाई पड़ने से श्याम, श्याम यानी श्री कृष्ण हरित दूति होए। हरित दूति का मतलब हरे यानी प्रसन्न हो जाते हैं। यानी ये जो दोहा है इसकी जो तीसरा व चौथा चरण है, जातन की झाई परे ये तीसरा और श्याम हरित दूति हो ये चौथा चरण है, तो इसमें बिहारी ने खूबसूरती से श्लेष अलंकार व रंग संयोजन, चित्रकारी के ज्ञान का बहुत ही अद्भुत प्रयोग किया है। वो कहते हैं देखिए, झाई, श्याम, हरित ये श्लिष्ट पद हैं। झाई का अर्थ परछाई है, श्याम का अर्थ कृष्ण है, हरि का अर्थ हरा होना है, पहला अर्थ है ये। दूसरे अर्थ में यदि हम करें तो राधा का जो गोर वर्ण है, झाई का अर्थ यहाँ
राधा का गोर वर्ण लिया जाएगा और श्याम यानी कृष्ण का काला रंग, तो गोरा यानी जो पीला वर्ण है और कृष्ण का जो काला वर्ण है, पीला और काला जब मिलता है तो हरित दुति होई, तो वह हरे रंग में चमकने लगता है। ये इस दोहे का दूसरा अर्थ है, श्लिष्ट अर्थ है। तीसरा अर्थ यदि हम देखें कि जातन की झाई परे, कि उस चतुर राधिका की परछाई पड़ने मात्र से ही श्याम हरित दुति होई। श्याम यहाँ श्याम का अर्थ है कलमस, पाप, मन के कुविचार, हरित यानी हरण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये दोहा, दोहे का तीसरा और चौथा जो पद है वो विभिन्न प्रसंगों में विभिन्न अर्थ देता है। क्योंकि झाई, श्याम और हरित शब्द जो हैं ये श्लिष्ट हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इसमें पीले और काले रंग के मिलने से जो हरा रंग का बनना है, यह बिहारी के चित्रकला के ज्ञान, रंग संयोजन के ज्ञान को प्रकट करता है। दूसरा दोहा देखते हैं हम, शीश मुकुट कटिकाछणी कर मुरली उरमाल, यही वानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। ये जो दूसरा दोहा है सत्सई का, इसमें बिहारी दास जी ने श्री कृष्ण की आकर्षक वेशभूषा का वर्णन किया है और वेशभूषा का वर्णन करते वो इस रूप को अपने हृदय में बसाना चाहते हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं, शीश मुकुट कटिकाछणी कर मुरली उरमाल, कि कृष्ण जिनके शीश पर, सिर पर मुकुट धारण किया हुआ है, कटिकाछणी और कमर पे कच्छा पहना हुआ है, पीताम्बर पहना हुआ है, कर मुरली उरमाल, कर यानी हाथों में मुरली धारण है और उर यानी वक्ष स्थल पर जिन्होंने माला पहन रखी है, यानी कृष्ण के वेशभूषा का वर्णन यहाँ हिंदी साहित्य में रस में एक प्रकार का अनुभव है, आहार्य अनुभव उसका चित्रण है। यही बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल, यही बानक यानी इसी प्रकार की वेशभूषा में मोमन सदा, कि मेरे मन में आप श्री कृष्ण जो हैं वो सदैव बसे रहें, सदैव समाए रहें। दोनों ही दोहे भक्ति रस से परिपूर्ण हैं, भक्ति रस का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम है। ईश्वर के प्रति जब प्रेम होता है, ईश्वर गुरु और माता पिता के प्रति प्रेम जहाँ वर्णित होता है वहाँ भक्ति रस होता है, और पत्नी या प्रियतमा के प्रति प्रेम जो है वो श्रृंगार रस की श्रेणी में आता है, पुत्र पुत्री के प्रति प्रेम जो है वह वात्सल्य रस की श्रेणी में आता है। ये भी श्रृंगार के तीन विभिन्न भेद हैं, श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति, तो ये भक्ति रस है। उसके पश्चात तीसरा जो दुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, मोर मुकुट की चंद्रिकणु यो राजत नंदनंद, मोर मुकुट की चंद्रिकणु यो राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रिकणु, देखिए सबसे पहले कुछ शब्दों के हम अर्थ देखते हैं। बिहारी दास जी यहाँ चंद्रिकणु शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं वो मोर के पंख में जो चंद्र के आकार के जो चमकीले चिन्ह होते हैं उनको कह रहे हैं चंद्रिकणु। नंद नंद शब्द का अर्थ है नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण। शशि शेखर, शशि है जिनके शेखर पर, जिनके मस्तक पर चंद्रमा है यानी महादेव जी यानी शिव, भगवान शिव।
यहाँ पर एक सहेली जो है नायिका से, गोपिका से, मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि भी मैं श्री कृष्ण के इस रूप को देखने की लालसा रखती हूँ और उनसे प्रेम करना चाहती हूँ। वो कहते हैं, मोर मुकुट की चंद्रिकणु यों राजत नंद नंद, मोर मुकुट की चंद्रिकाओं के बीच यों इस प्रकार राजत यानी सुशोभित हो रहे हैं नंद नंद यानी नंद के नंदन यानी श्री कृष्ण। मनु शशि शेखर की अकस की है शेखर सतचंद। मानो शशि शेखर, शशि शेखर यानी जिनके मस्तक पर चंद्रमा है यानी महादेव जी, अपने शेखर पर यानी सिर पर सतचंद यानी 100 चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। यानी ये जो तीसरा दोहा, इसमें नायिका जो है, सखी जो है, वो नायिका को श्री कृष्ण के इस रूप को देखने की इच्छा प्रकट करती है कि मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण, जिनके मोर मुकुट में चंद्रिकाएं विराजमान हैं और जो कि नंद के नंदन हैं और अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव ने अपने शिखर पर सतचंद यानी 100 चंद्रमाओं को धारण कर रखा है और वो अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। यानी यहाँ श्री कृष्ण के मोर मुकुट में चंद्रिकाओं का की संभावना महादेव के मस्तक पर विराजमान 100 चंद्रमाओं से की गई है। एक संभावना है, यहाँ कल्पना है कवि की। जहाँ संभावना या कल्पना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस दोहा छंद में बिहारी की खूबसूरत उत्प्रेक्षा है। मनु शब्द भी उत्प्रेक्षा अलंकार का एक प्रतीक चिन्ह है। तीसरा दोहा देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनु नील मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी दास जी श्री कृष्ण के श्याम सलोने सुंदर रूप देह का वर्णन कर रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत यानी सुंदर लग रहे हैं, ओढ़े यानी धारण किए हुए, पीत पट यानी पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र। श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने गात, श्याम यानी कृष्ण, सलोने गात, यहाँ सलोने शब्द का अर्थ है लावण्यमय रूप, लौन सहित, सुंदरता सहित, यानी अपने लावण्यमयी देह पर, सुंदर देह पर श्याम रंग के कृष्ण अपने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र धारण करते हुए सुंदर लग रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। मनो यानी ऐसा लगता है, उत्प्रेक्षा है यहाँ पर, श्री कृष्ण के पीताम्बर पहने हुए सलोने रूप की संभावना उन्होंने ऐसे की है कि जैसे नीलमणि जो पर्वत है उस पर शैल यानी पर्वत पर आतप प्रयो प्रभात, आतप यानी सूर्य की किरणें, पर्यो प्रभात, प्रभात यानी सुबह, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब नीले रंग के पर्वत पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरती है, तो ठीक वैसे ही श्री कृष्ण लग रहे हैं। यानी श्री कृष्ण में उन्होंने नीलमणि पर्वत की संभावना की है और उनके पीले वस्त्रों में सूर्य की स्वर्णिम किरणों की संभावना उन्होंने की है। उसके पश्चात अगला जो दोहा है उसमें उन्होंने श्री कृष्ण और राधिका के दर्शन में समस्त प्रकार की पवित्र नदियों का स्पर्श पाया है और
उन्होंने समस्त तीर्थ को त्याग कर ब्रज की गलियों में जाकर प्रयागराज जैसे तीर्थ का लाभ प्राप्त करने का वर्णन किया है। तजी तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुराग, जिहि ब्रज के लिन कुंज मग पग पग होत प्रयाग। देखिए यहाँ बिहारी दास जी क्या कह रहे हैं, तजी तीर्थ यानी समस्त प्रकार के, यहाँ एक गोपिका के कथन है कि भाई तजी तीर्थ, मैंने तो सारे तीर्थ त्याग दिए हैं, मुझे किसी भी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं। हरि राधिका, हरि यानी कृष्ण और राधिका यानी राधा, तन दूती यानी उनके देह की जो चमक है, करी अनुरागु और उनका जो अनुराग है, प्रेम है, उसके बारे में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण का काला रंग, श्री कृष्ण श्याम माने गए हैं और श्याम वर्ण यमुना नदी का माना गया है। राधिका, राधिका जो है वो गोर वर्ण की है और इस प्रकार का एकदम गोर यानी चमकता हुआ साफ जल गंगा नदी का है। तजी तीर्थ हरि राधिका तन दूती करी अनुरागु, यानी मैंने श्री कृष्ण और राधिका के चमकती हुई देह में यमुना और गंगा का सामिप्य स्पर्श पा लिया है, इसलिए मैंने तीर्थों को त्याग दिया है। करी अनुरागु और उनका जो प्रेम है वो सरस्वती के समान है, अनुराग जो है सरस्वती के समान है। जिहीं ब्रज केली निकुंज मग पग पग हो तु प्रयाग, जिससे ऐसा लगता है कि ब्रज में, ब्रज केली निकुंज मग यानी ब्रज के निकुंज में यानी उपवनों में, मग यानी मार्ग में, केली यानी जो प्रेम की क्रीड़ाएं हैं उसमें ये तीनों उपस्थित हो जाते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। और गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज नामक तीर्थ स्थल पर होता है, तो हमें यहाँ प्रयागराज और तीनों नदियों का संस्पर्श प्राप्त हो जाता है ब्रज में श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम में, इसलिए तीर्थाटन को छोड़कर ब्रज जैसे तीर्थ स्थल में तीर्थराज का फल आराम से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए श्री कृष्ण के बांसुरी वादन के बारे में, बांसुरी वादन करते हुए श्री कृष्ण के ओठों पर बांसुरी कैसी लगती है उसका चित्रण करते हुए खूबसूरत उत्प्रेक्षा अलंकार में उन्होंने किस प्रकार रंग संयोजन किया है उसका चित्रण हम देखते हैं। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पट ज्योति, अधर यानी ओठों पर, श्री कृष्ण जब अपने ओठों पर धरत यानी रख लेते हैं बांसुरी को, तो उनके जो ओठ हैं लाल रंग के, लाल लाल उनके जो ओठ हैं, उनकी आँखों की जो दृष्टि है उसमें जो चमकता हुआ सफ़ेद प्रकाश है, पट पीले वस्त्रों का की जो आभा है उसमें वह बांसुरी ऐसे लगती है, हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग के बांस की जो बांसुरी है वो ऐसी लगती है जैसे इंद्रधनुष के सारे सातों रंग वहाँ उपस्थित हो गए हैं। ओठों का लाल रंग, दृष्टि का जो है सफ़ेद रंग, वस्त्रों का पीला रंग, बांसुरी का हरा रंग, इंद्रधनुष सा आभास देता है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। उसके पश्चात हम उनका सातवां दोहा ये हम पढ़ रहे हैं। कीने हूँ कोटिन जतन अब कही काढ़े कौनू,
हो मनमोहन रूप मिली पानी में की लौनू, कीने हूँ कोटिन जतन अब कही काढ़े कोनू। भो मनमोहन रूप मिली मिली पानी में को लौनू। नायिका कह रही है अपनी सखी से कि मेरे मन में श्री कृष्ण का रूप समा गया है, और किस प्रकार समा गया है, जैसे पानी में नमक समा जाता है। वो कहती है कीने हूँ कौटिन जतन, कीने यानी मैंने किए हैं, कौटिन यानी करोड़ों, जतन यानी उपाय, मैंने करोड़ों उपाय कर दिए, अब कहीं काढ़े कौनू, अब मैं अपने मन से कैसे काढ़े यानी निकाल दूँ। भाव मन मोहन रूप मिली पानी में की लौनू। भाव यानी ऐसा हो गया है मन, यानी मैंने मन रूपी मानस में मोहन मोहने वाले श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य इस प्रकार से मेरे मानस रूपी मन रूपी मानस में मानसरोवर में इस प्रकार मिल गया है पानी में की लौनू, जैसे नमक में पानी मिल जाता है। तो यहाँ मिलित अलंकार का प्रयोग है कि दो चीज़ें एक दूसरे में मिलकर एक हो गई है। अंतिम दोहा देख रहे हैं, अजोतर्योणा ही रयो श्रुति सेवक इक रंग नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। देखिए ये जो आठवां दोहा हम पढ़ने जा रहे हैं, इस दोहे में कवि बिहारी ने श्लेष अलंकार के माध्यम से यह प्रकट किया है कि व्यक्ति जो है वो अच्छी संगत से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। और यहाँ उदाहरण उन्होंने स्त्री के नाक और कान में पहने जाने वाले गहनों के माध्यम से दिया है। हम सबसे पहले उन शब्दों को समझेंगे जहाँ एक से अधिक अर्थ हैं, जो श्लिष्ट पद हैं। अजो तर्यो ना ही रयो, देखो तर्योना शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो है तर्योना कानों में पहना जाने वाला आभूषण जिसे कहते हैं कर्णफूल, और तर्योना तर्यो और ना इसके टुकड़े करें सभंग श्लेष हो जाता है। तर्योना अर्थात जो तर नहीं पाया, यानी जिसका जिसको मोक्ष नहीं मिल पाया, उद्धार नहीं हो पाया। श्रुति यानी कान, सेवक यानी सेवा करना, एक रंग यानी लगातार। नाक बास बेसरी लयो, नाक यानी हमारा जो मुंह का अंग है नाक, चेहरे का जो अंग है नाक, बास यानी स्थान, बेसरी बेसरी यानी एक सामान्य आभूषण जो कर्णफूल की तुलना में बहुत सस्ता होता है, जिसे हम बाली कहते हैं, बाली जो स्त्रियां कानों में पहनती है उसको बेसरी कहते हैं। बसी मुक्तन के संग, मुक्तन यानी मोती। अब देखिए शरीर में जो चेहरा है, चेहरे का सबसे महत्वपूर्ण स्थान नाक माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा अपमान होता है, तब हम अपमान होता है कहीं पर, यदि हमें लज्जित किया जाता है तो हम इसी शब्द का प्रयोग करते हैं कि भाई वहाँ मेरी नाक कट गई। तो नाक जो है वो चेहरे का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और कान जो है नाक से कम महत्वपूर्ण है, हालांकि महत्वपूर्ण है लेकिन नाक से कम महत्वपूर्ण है। तो कर्णफूल जो आभूषण है वो महंगा होता है, तर्योना। श्रुति यानी कान, कर्णफूल आभूषण कान की लगातार सेवा करता है लेकिन उसे महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिलता, जबकि नाक जो कि महत्वपूर्ण स्थान है उसमें
बाली जो होती है, बाली बेसरी, वो मोतियों का साथ पाकर जो है उसे नाक जैसा महत्वपूर्ण स्थान मिल जाता है। अब देखिए इसका अन्योक्तिपरक अर्थ भी है और श्लिष्ट अर्थ भी है। श्लिष्ट अर्थ हम देखें तो वो ये है, अब हम इसका दूसरे अर्थ की तरफ देखें। त्रयोना का अर्थ है मोक्ष नहीं होना, श्रुति का अर्थ है वेद पुराण उपनिषद वेद पुराण इत्यादि, नाक यानी स्वर्ग, बेसरी यानी नीच व्यक्ति, मुक्तन यानी साधु संन्यासी, मुक्त जो मुक्त लोग हैं उनकी बात है कि अज्यो तर्योणा ही रयो श्रुति सेवक एक रंग। ऐसे व्यक्ति जो वेद पुराणों का धर्म ग्रंथों का सेवक एक रंग लगातार अध्ययन करते हैं, अज्यो अजो तर्योणा ही रयो, अजो तर्योणा मतलब अभी तक उनका उनको तर्योणा उनका मोक्ष नहीं हुआ है, उन्हें संसार सागर से मुक्ति नहीं मिली है, जबकि बेसरी बेसरी यानी नीच व्यक्ति नाकवास यानी स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लेता है। कैसे? बसी मुक्तन के संग, अच्छे साधु संन्यासियों मुक्त लोगों के संपर्क में आकर नीच व्यक्ति भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। यानी इस दोहे में सत्संगति की महिमा बताई गई है। तो ये जो मैंने आपको आज 8 दोहे बिहारी के बताए हैं, जिसमें मैंने इनका भाव सौंदर्य की अर्थ क्या है, शिल्प सौंदर्य यानी अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, रस कौन सा है, इनका जो मैंने चित्रण किया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 7 नंबर दोहे में नायिका का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है तो श्रृंगार रस है। बाकी जहाँ पर श्री कृष्ण राधिका या कृष्ण की महिमा गाई गई है वहाँ आपके भक्ति रस है। तो ये इस प्रकार से आज हमने पढ़े। तो देखिए ये 8 जो दोहे हैं, इन 8 दोहों को आप इनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आप गृह कार्य में इनकी लिखेंगे, एक एक दोहा लिखकर इनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर इमेज भेजेंगे। शुक्रिया। कल की कक्षा में हम आगे बिहारी के अन्य दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।